नैनीताल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन भगवान कृष्ण ने किया रुक्मणी से विवाह, सुदामा की मित्रता लीला हुई संपन्न। खबर कराल से है। चौकस में वे चल रही इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन कथा व्यास महाराज ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। प्रथम दिवस ही महाराज ने कथा पंडाल में शंकर पार्वती, वामन अवतार, कृष्ण जन्म, गोवर्धन पर्वत लीला और नरसिंह अवतार आदि तमाम झांकियों का दर्शन भक्तों को करवाया। 7वें दिन कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया। भगवान कृष्ण ने आज रुक्मणी से विवाह किया, जिसकी सुंदर झांकी पंडाल में सजाई गई। सभी माता बहनों ने भगवान की विवाह पर खूब बधाई देते हुए भाव विभोर होकर आनंद लिया। कथा व्यास महाराज ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए यह भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र बचपन के सखा से सुदामा मिलने के लिए द्वारिका गए थे, मगर जैसे ही भगवान कृष्ण ने द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। कृष्ण सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया और उन्हें कुबेर का धन देकर माला माल कर दिया। जब भी भक्तों पर विपदा आ पड़ी है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आए हैं। करहाल में कैलाश नारायण मुदगल परिवार की तरफ से कस्बे में चल रही 7 दिवसीय कथा बड़े ही हर्षोल्लास और आनंद के साथ आज संपन्न हुई। जो मनुष्य को भगवान से जोड़े देता है, कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य का जीवन तर जाता है। देखिए फास्ट समाचार से संवाददाता में श्रीवास्तव की रिपोर्ट।